नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से आपका पुराना ट्रिक ढक्कन ट्रिक बताऊंगा। और मैं क्यों बताऊंगा, क्यों रिपीट करूंगा, क्योंकि इसके पीछे दो वजह है। पहली वजह कि सवाल कुछ ऐसा प्यारा सा है जो एग्जामिनेशन में आने जाने का इसका बढ़िया से बढ़िया रिस्पॉन्स है। और दूसरा वजह कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ट्रिक है आप लोग इसको कभी भूलें ना, रिवाइज कराने के उद्देश्य से। और कुछ नए सब्सक्राइबर मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, उनको दिखाने के उद्देश्य से आज मैं फिर से ढक्कन ट्रिक बताऊंगा। अच्छा लगेगा तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नया चेला लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, घंटी वाले बटन दबाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी कैसा लगा। तो गुरुजी आपसे पूछते हैं कि कैसा लगा बता देना। और दूसरी बात कि कुछ बच्चा हमें फ़ोन करते हैं कि सर जी मुझे कोर्स लेना है। इतना ज़्यादा आप लोगों का फ़ोन आ रहा है कि मैं कोर्स देते देते थक जा रहा हूँ। तो कम से कम लोग फ़ोन कीजिए, नंबर मैं फिर भी दूंगा, क्योंकि कुछ ज़रूरतमंद छात्र हैं जिनको कोर्स देना ही देना है। सबको नहीं मिलेगा, लेकिन जो बातचीत से पता चलेगा कि भाई इसको ज़रूरत है, पढ़ाकू लड़का है, गरीब घर का है, उसको चाहिए तो चाहिए। 75-25-81-88 थोड़ी सी फीस है, वो आप दे देंगे आराम से। चलिए आज का जो सवाल है ना, बड़े ही कमाल का। sec tan रूट में x, ध्यान से देखो। sec tan रूट में x, इसका मुझे क्या करना है, अवकलन करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने में पुराने टिफिन का कबाड़ ढक्कन, इसी को कहते हैं क्या, ढक्कन ट्रिक। ढक्कन ट्रिक से आज हम लोग सवाल देखेंगे। चलो ध्यान देना। तो मुझे क्या करना है, ढक्कन से क्या ज़रूरत है। अरे भाई, पहले इसका अवकलन होगा ना, तो इन सब चीज़ों को हम अपनी निगाहों से दूर करना चाहते हैं, ढक्कन से ढक देना चाहते हैं। तो क्या लिखा, सेक के आगे क्या लिख, क्या दिख रहा, ढक्कन। सेक ढक्कन, क्या दिखाई दे रहा, ढक्कन ना, सेक ढक्कन। तो सेक ढक्कन का सूत्र क्या होगा भाई, सेक ढक्कन का सूत्र होगा सेक ढक्कन इंटू टैन ढक्कन। यस 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 यस। क्या सूत्र होगा अवकलन का, जब हम अवकलन करेंगे डीवाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, सेक ढक्कन। अब ढक्कन का कोष्टक इतना बड़ा है तो इतना बड़ा बनाओ, सेक ढक्कन इंटू टैन ढक्कन। ढक्कन देखो इतना बड़ा है ना, तो ढक्कन के साइज का कोष्टक बनाओ। तुम समझे कि नहीं समझे, सेक ढक्कन का अवकलन सेक ढक्कन इंटू टैन ढक्कन। चलो भाई, अब क्या होगा, ढक्कन के जो नीचे छुपा है ना, वो ढक्कन वाला आइटम ढक्कन में डाल दो, यहाँ पे लिख दो। यही ना छुपा था, यही छुपा था, इसी को लिख दीजिए। लिख दिया। अब मैंने किसको ढका था, ढक्कन के नीचे किसे ढका था, उसको दिमाग में रखिए। इसका अवकलन हो गया ना, अब इसे ढक दीजिए। ढक दिया आपने, क्या दिख रहा, टैन। टैन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर। क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर के आगे क्या लिखना है, टैन के आगे क्या है, टैन के आगे रूट में एक्स है, तो सेक स्क्वायर के आगे भी रूट में एक्स रहेगा। समझ गए बाबू। तो तुमने क्या किया, इसका कर दिया, इसका भी अवकलन कर दिया। अब रूट में एक्स की बारी है, किसकी बारी है, रूट में एक्स की बारी है। तो अब टैन तक हो चुका है, तो हम टैन तक ढक्कन से ढक देंगे। अब जो दिखेगा उसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखेगा। तो रूट में एक्स का क्या होता है, याद रखना, रूट में एक्स का होता है 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2, और रूट में उसी को लिख दो। क्या लिखेंगे, 1/2, रूट में उसी को लिख दो। किसको, इसको, इसको जिसका कर रहे हो अवकलन। तो होगा 1/2 रूट में एक्स। अब क्या होगा, अब इतनी बड़ी लाइन को एक सही ढंग से सेट करके लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है।
तो एक बटा दो रूट में एक्स को पहले पहले लिखेंगे इनटू ये फिर वो सब लिख दो एक किनारे से। एक किनारे से जैसे लिखा है वैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम हमारा आंसर हो गया। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लड़के इस सवाल को लेकर के वाई मानो, टी माने, यू माने, ई माने, प्रश्न स्थापित कर, अरे चेला तुम्हें उत्तर तक पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने पहुंचा दिया। तुम्हें सीखना है मैंने सिखा दिया, तुम्हें नंबर पाना है मैंने बता दिया, तुम पा जाओगे तो क्या ज़रूरत है हाँ ओखल में मूड़ी डालने का क्या ज़रूरत है। अरे कोई औरत चिल्ला रही है, उसके आचरण से आप लोग प्रभावित मत होइएगा, उसका आचरण उत्तम माना गया है हमारे मोहल्ले में, तो आप लोग इतना उत्तम आचरण मत बनाइएगा कि आपको इस तरह की कर्कश आवाज़ के लिए आपको जाना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।